बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीवी सिस्टम डिज़ाइन, और पीवी सिस्टम डिज़ाइन का ये पहला बेसिकली लेक्चर है, और इसके बाद कंटिन्यूशन में हम मल्टीपल लेक्चर्स इसमें अपलोड करते रहेंगे, और कोशिश ये होगी कि डिटेल पीवी सिस्टम डिज़ाइन को आप अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि अगर आपने फिजिकली भी पीवी सिस्टम बनाना है या रिसर्च करनी है पीवी सिस्टम में, तो ये पॉसिबल हो सके। एनीवेज, इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक्स पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, फिर हम पढ़ेंगे पीवी बेस्ड एनर्जी सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर कंपैरिजन ऑफ पीवी विद रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज विद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे। सो बाय डेफिनेशन अगर हम पीवी सिस्टम को देखें, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को देखें, तो रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम की डेफिनेशन है अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज नॉट डिप्लीटेड बाय इट्स यूज। इसका नाम भी आप देखें तो रिन्यू है, यानी कि आप इसको यूज भी कर लो लेकिन ये डिप्लीट नहीं होगी, ये कम नहीं होगी। इसकी कॉमन एग्जांपल सन है। अब सन में देखें तो दो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, एक सनलाइट अवेलेबल है और दूसरा हीट अवेलेबल है, और ये अगर आप देखें क्योंकि कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी है सन की, हीट की और सनलाइट की, तो ये बेसिकली हमें ये डिप्लीट नहीं होगी और ये रिन्यूएबल है, यानी कि ये यूज होगी और सनलाइट को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो कॉमन सोर्सेज अगर आप देखें सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फोटोवोल्टिक है, इसमें मेजर सोर्स सन आ जाता है, फिर सोलर थर्मल है, इसमें भी मेजर सोर्स सन आ जाता है। फोटोवोल्टिक में सन की लाइट को हम ले लेते हैं, जबकि सोलर थर्मल में हम सन की हीट को ले लेते हैं। विंड बेसिकली, ये विंड कॉरिडोर्स बनते हैं, और विंड कॉरिडोर्स बेसिकली, फर्क क्या होता है कि हमारी अर्थ के अंदर जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, एक जगह पे ठंडा इलाका और एक जगह पे गर्म इलाका, तो दरमियान में बेसिकली कॉरिडोर्स क्रिएट हो जाते हैं। ये कॉरिडोर ज्यादातर रेगिस्तान वाले इलाके में क्रिएट होते हैं, या समुंदर या दरिया के करीब क्रिएट होते हैं, और इधर विंड चलना शुरू हो जाती है, और इससे विंड एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। इसी तरह बायोमास हमारे पास अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स का बायोमास अवेलेबल है, और ये भी बेसिकली इस बायोमास की डिकम्पोजिशन में जो मेजर सोर्स अवेलेबल है वो सन है और फिर अर्थ है। फिर मरीन में ओशन या टाइडल वेव्स अवेलेबल हैं, जो बेसिकली सन की वजह से, सन अर्थ और मून की वजह से टाइड्स क्रिएट होते हैं, और उन टाइड से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और आखिरी हमारे पास आता है हाइड्रो, जो बेसिकली वाटर से प्रोड्यूस होती है और वाटर से भी, यानी कि अगर हम इसका कंपैरिजन करें, यानी कि एनर्जी मिक्स में देखें, तो जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी आती है वो ऑयल आती है, यानी कि ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दूसरे में न्यूक्लियर बेसिकली 6%, जबकि कोल 28%, नेचुरल गैस 21% और रिन्यूएबल 7%। जबकि यूएस में देखें तो जो सबसे बड़ा चंक लेता है वो 41% ऑयल का है, बाकी 23% कोल और 23% नेचुरल गैस और 8% न्यूक्लियर है, और रिमेनिंग जो है वो रिन्यूएबल से यूज हो रही है। तो अगर आप क्लीन एनर्जी को देखें तो इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है कि अगर हम कंटिन्यूसली इसी स्पीड से ऑयल, कोल या नेचुरल गैस को यूज करें, तो अप टिल 2050 जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही है वो 56% इंक्रीज कर रही है, यानी कि अभी जो एमिशन हो रही है वो 31.2 बिलियन मैट्रिक टन एमिट हो रही है, और अगर हम कंटिन्यूसली इसको देखें तो ये 45.5 बिलियन मैट्रिक टन प्रोड्यूस हो जाएगी 2040 में। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट 1.5 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, और 1.5 टाइम ज़्यादा होने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट में बड़े ड्रास्टिक चेंज आने हैं। इसी तरह सस्टेनेबल है। सस्टेनेबिलिटी क्या है कि भाई अगर हम रिन्यूएबल की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये सस्टेनेबल इस वजह से कि ये डिप्लीट नहीं होती, ये कंटिन्यूसली आप यूज करते रहते हो एक, लेकिन कम नहीं होती। जबकि फॉसल फ्यूल या नेचुरल गैस या कोल की बात करें तो ये डिप्लीट हो जाती है। ये कंपैरिजन चार्ट है, अगर आप देखो तो ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बाद डिप्लीट हो जाएगा, जबकि गैस जो है वो तकरीबन 200 ईयर्स के बाद डिप्लीट हो जाएगी। यूरेनियम की बात की जाए, अगर इसी स्पीड में यूज की जाए तो वो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद डिप्लीट हो जाएगी। कोल की बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के बाद डिप्लीट हो जाएगा। तो ये इनके क्या है कि भाई इन्होंने डिप्लीट हो जाना है, तो इसका मतलब यह है कि वी शुड हैव अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज काइंड ऑफ सोर्सेज। सो फिर रिन्यूएबल का अगला एडवांटेज क्या है, ये लोकली अवेलेबल है, यानी कि जरूरत ही नहीं कि आपको इंपोर्ट करने की, हर कंट्री में सनलाइट पड़ रही है, हर कंट्री में जो है विंड है, तो वो लोकली अवेलेबल है। फिर इसी तरह इस ये कॉस्ट इफेक्टिव बनती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट कम होती जा रही है। यानी कि अगर आप कंपैरिजन करें तो सोलर का ही अगर आप कंपैरिजन करें तो सोलर का विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसकी कम है।
फिर आपके पास आ गया एनर्जी मिक्स। तो रिन्यूएबल में ये एडवांटेज है कि हम मल्टीपल सोर्सेज को मिक्स कर सकते हैं और उन मल्टीपल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप जनरल एग्जांपल देखें, ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि पहले कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज बहुत ज्यादा यूज होती थी और रिन्यूएबल का चंक बहुत थोड़ा था, लेकिन ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक अगर इसी स्पीड में रिन्यूएबल इंट्रोड्यूस होती है तो जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं और रिन्यूएबल ऑलमोस्ट 50-50 के करीब है। इसी तरह आप देखें जो सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स यूज हो रही है वो बायोमास है, उसके बाद हाइड्रो है और उसके बाद बाकी सोर्सेज हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पीवी भी बेसिकली मर्ज हो रहा है और पीवी भी एक सोर्स के तौर पे पियर हो रहा है, सही है ना। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो आउटपुट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ये वो सोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे करती हैं, इसमें फोटोवोल्टेइक, सोलर थर्मल, विंड, बायोमास, मरीन और हाइड्रो आ जाते हैं, सही है ना। ये कंप्लीट सोलर का सिस्टम है। अब हम स्पेसिफिकली सोलर को देखेंगे। तो सोलर क्योंकि इंक्रीजिंगली कॉस्ट इफेक्टिव है, तो 1960s या 1970s में जब सोलर इंट्रोड्यूस हुआ तो इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट $100 के करीब थी और ये ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते अब 2020 के करीब करीब में ये ऑलमोस्ट जो है ये $1 से भी कम हो गया है। यानी कि अगर हम कंप्लीट सोलर सिस्टम की बात करें तो ये $1 से कम है, लेकिन अगर आप सिर्फ पैनल की बात कर लें तो ये तो 0.2 सेंट या 0.21 सेंट के करीब है। तो यहां पे क्या है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम हो रही है, सही है ना। अब पीवी सिस्टम को देखते हैं। तो पीवी सिस्टम या हमारा सिंपल एनर्जी सिस्टम जो है इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, एक इनपुट है, दूसरा प्रोसेस है और तीसरा आउटपुट है। इनपुट में बेसिकली हम सनलाइट लेते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं और आउटपुट में हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप इनपुट में देखें तो सनलाइट जो है वो बेसिकली हमारे पास चार सीजन होते हैं पूरे साल में। हमारे पास स्प्रिंग है, समर है, ऑटम है और विंटर है। अब जब सीजन बदलता है तो सनलाइट बदल जाती है। जब सनलाइट बदलती है तो जो आउटपुट में यानी कि पैनल ने जो आउटपुट देनी है वो आउटपुट इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, नॉन कंसिस्टेंट हो जाएगी। अब ये नॉन कंसिस्टेंट आउटपुट जब प्रोसेस में जाती है तो प्रोसेस का काम ये होता है कि इसे कंसिस्टेंट बनाया जाए। यानी कि जो लोड हमारे पास है उस लोड की कैपेबिलिटी ये नहीं है कि वो डिफरेंट किस्म के इनपुट पे चल सके। यानी कि अगर इनपुट बदलेगा तो लोड हमारा डैमेज हो जाएगा। तो हमें लोड को मेंटेन करना बड़ा जरूरी है, यानी कि लोड के इनपुट को मेंटेन करना जरूरी है और उसको मेंटेन करने के लिए जो मेजर सोर्स है वो प्रोसेस है। हम प्रोसेस के थ्रू लोड के इनपुट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इसको पावर प्रोसेस कहते हैं और ये नॉर्मली कंट्रोल होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। और पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप देखो तो बेसिकली हमारे पास दो हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं या मॉसफेट्स वगैरह हैं जो बेसिकली यूज होते हैं स्विचिंग डिवाइसेस हैं। और उन स्विचिंग डिवाइसेस में डिफरेंट टोपोलॉजीज पे यानी कि कलेक्टर, मीटर, ड्रेन, सोर्स की डिफरेंट टोपोलॉजीज पे हम इनको कंट्रोल करते हैं पावर के फ्लो को और ताकि पावर मैक्सिमम हमें आउटपुट पे मिल सके, सही है ना। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं और उन ट्रांजिस्टर्स को की फॉर्मेशन लॉजिकल या गेट की फॉर्मेशन कंप्यूटेशन बना के उस पावर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह इसमें उनकी जो स्विचिंग होती है उसमें फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम फ्रीक्वेंसी को इस तरह एडजस्ट करें कि यानी कि जो उसके इनपुट पे ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसकी बेस पर ट्रांजिस्टर ने स्विच करना है। इसी तरह हमें फिर आउटपुट मिलती है, जिस तरह हमारे पास एयरोस्पेस हो गया या रेजिडेंशियल हो गया, तो रेजिडेंशियल में नॉर्मली 50-60 हर्ट्ज है और 400 हर्ट्ज एयरोस्पेस वगैरह में होती है, तो हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को भी डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, सही है ना। तो पीवी के अपने एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज पीवी का क्या है कि इसमें ऑलमोस्ट नो मैकेनिकल स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। दूसरी चीज क्या है कि पीवी जो है साइलेंट है, इसमें शोर नहीं होता, विंड टरबाइन में भी शोर होता है और बायोफ्यूल वगैरह में भी शोर होता है। फिर तीसरी चीज क्या है, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है विंड की या डैम्स वगैरह की वो बहुत ज्यादा है, जबकि पीवी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत कम है। तो आप देखो पीवी क्योंकि स्टैटिक है तो ये कहीं पे भी लग सकता है, यानी कि सिंपल सोलर पैनल्स भी आप लगा सकते हो, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर पैनल्स भी आप यूज कर सकते हो, या पार्किंग विद सोलर एड यूज कर सकते हो, कार्स के ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं, रोबोट्स के ऊपर सोलर पैनल लगाया जा सकता है, एरोप्लेन्स के ऊपर सोलर पैनल या ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर सोलर पैनल, इसी तरह सैटेलाइट्स हैं वो भी उनकी भी एनर्जी सोर्स सोलर पैनल के तौर पर यूज होती है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट पीवी का, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा इसमें क्लैरिटी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और इंशाल्लाह हम इसमें डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। जज़ाकअल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।